हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये स्मोकी आई मेकअप लुक विथ रेड लिप्स। तो ये मेकअप लुक में ये खास बात है कि इस मेकअप लुक को मैंने सिर्फ 10 रुपीज़ के अंदर किया है। मतलब जो जो मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं वो सारे 10 रुपीज़ के अंदर वाले प्रोडक्ट हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे टोनर लगाया। तो टोनर मैंने फ्री में ही मंगवाया था स्मिटन से, तो ये हो गया अंडर 10 रुपीज़ में। उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया जो पॉन्स का है, वो 5 रुपीज़ में मुझे सिर्फ मिला। तो उसके हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर ले रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ हम सबका फेवरेट वैसलीन, तो उसके हेल्प से मैं अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ इससे मैं एक प्राइमर की तरह अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, अपनी टी जोन पे फोकस करके अच्छे से मैंने स्प्रेड किया अपने फेस को। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक रेड कलर की लिपस्टिक, उससे मैं अपने अंडर आईज़ में हल्का हल्का कलर करेक्ट कर रही हूँ ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स है वो थोड़े बहुत हाइड हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्स की क्रीम, के साथ मैं मिक्स कर दे रही हूँ पॉन्स का पाउडर जो आता है 10 रुपीज़ में। तो इन दोनों को ही मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ ताकि जो क्रीम है वो थोड़ा सा थिक हो जाए और उसका जो कवरेज है वो थोड़ा बढ़ जाए। इसे मैं अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं एक ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। और ब्यूटी स्पंज 10 रुपीज़ का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो मेकअप प्रोडक्ट है वो 10 रुपीज़ के हैं। तो कवरेज मुझे बहुत ही अच्छा ही मिल गया है 10 रुपीज़ के हिसाब से, और क्या ही मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि कितना ही अच्छा कवरेज मुझे मिलेगा। उस हिसाब से मुझे ठीक ठाक कवरेज मिल गया है। तो उसी से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ और उसी क्रीम को अगेन मैं अपने अंडर आईज़ पे भी लगा ले रही हूँ और आईलिड्स पे, ताकि ये एक कंसीलर का भी काम करे। और इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे कवरेज थोड़ा ज़्यादा मिले। अब मैं उसी लिपस्टिक को लेके चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लश की तरह, और इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ब्रश की हेल्प से। ब्रश की हेल्प से मैं इसीलिए ब्लेंड कर रही हूँ ताकि बहुत ही नेचुरल सा मुझे फिनिश मिले और नेचुरल सा लगे। तो ब्लश को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आई बारी कॉन्टोर की। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक लिप लाइनर का यूज़ किया है। तो लिप लाइनर की हेल्प से, ये भी मैंने 10 रुपीज़ का लिया था, तो लिप लाइनर की हेल्प से ही मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी क्योंकि ये ब्राउन शेड में है, तो इसकी हेल्प से मैं अच्छे से कॉन्टोर कर सकती हूँ। तो कॉन्टोरिंग को भी मैं अगेन अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। और फेस को कॉन्टोर करना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने सोचा था कि मैं कॉन्टोर नहीं कर पाऊँगी, बट ये आइडिया मुझे आया कि मैं लिप लाइनर से अपना फेस कॉन्टोर कर सकती हूँ। और यहाँ ब्लेंडिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड था फेस में। इसके बाद मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से पैक कर रही हूँ, बेक कर रही हूँ और पाउडर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। जहाँ जहाँ मुझे बेक करना है वहाँ वहाँ मैं पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ, और इससे इस पाउडर को मैं थोड़ी देर इसी तरीके से फेस पे रहने दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल। ये आईब्रो पेंसिल बहुत ज़्यादा ब्लैक था और बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल ही शीन चैन की आईब्रोज लग रही थी।
लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा ब्लेंड किया, थोड़ा इसके ऊपर से मैंने पाउडर को पैक किया, देन ये थोड़ा बहुत नेचुरल लग रहा था जैसे कि देख रहे हैं। इसके बाद मैं फिर पूरे फेस से पाउडर को हटा दे रही हूँ और बहुत ही सुंदर सा मुझे बेस मिल गया है। आप जैसा देख रहे हैं बहुत ही नेचुरल बेस लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बेस मुझे। लगी ऐसा नहीं रहा है कि मैंने 10 रुपीज़ के अंदर ये बेस क्रिएट किया है गाइस। इसके बाद मैं उसी लिपस्टिक से अगेन अपने पूरे आईलिड्स पे अप्लाई कर दे रही हूँ। इससे अच्छे से मैं फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर दे रही हूँ। ब्लेंडिंग में बिल्कुल हल्का सा अपने आईलिड्स पे इसकी कलर रखूँगी, तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ ताकि बिल्कुल थोड़ा सा कलर रहे, सिर्फ पिंक शेड की तरह। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है काजल, तो काजल को मैं अपने पूरे आईलिड्स पे लगा रही हूँ और इसे मैं अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी ताकि एक स्मोकी आई इफेक्ट मुझे मिल जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं इस तरीके का कर भी पाऊंगी, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे आई मेकअप। इसके बाद मैं उसी काजल को लेके अपने लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे लगा ले रही हूँ। और गाइस मुझे मस्कारा 10 रुपीज़ में कहीं नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ खुद का ही मस्कारा मेबलिन का। तो मेबलिन का मस्कारा के 2 से 3 कोट मैं यहाँ पे लगा ली। देन मैं जिस लिप लाइनर से अपना फेस कॉन्टोर की थी उसी लिप लाइनर को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपने लिप्स को लाइन करने के लिए। और उसी लिपस्टिक से मैं अपने लिप्स पे अच्छे से लिपस्टिक को अप्लाई कर दे रही हूँ। ये बहुत ही ब्राइट रेड शेड था, तो इसे थोड़ा सा कूल करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए मैंने यहाँ पे पाउडर को लगाया है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक गाइस। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो की रिक्वेस्ट एक सब्सक्राइबर ने मुझे किया था, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, एडिट करती हूँ और डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो एक लाइक तो बनता है अगर आपको पसंद आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।